हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर। और अभी 3 बज रहे हैं और काफ़ी बारिश, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो बारिश का मौसम है तो सब जगह बारिश ही हो रही है, तो इधर सुबह से ही हो रही है। आज सुबह से मैं आज काफ़ी काम की हूँ, बहुत, मतलब फ्रिज साफ़ करना, ये वो बहुत कुछ। ऐसे तो देखिए डेली घर का मतलब झाड़ू पोछा तो डेली ही होता है, बट क्या मतलब अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है घर। लेकिन एक दिन सप्ताह में 10 दिन में एक बार कर देना चाहिए, लेकिन इस हालत में नहीं हो पा रहा था। मतलब कैसा, मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ रीज़न। तो आई एम प्रेग्नेंट, 5 मंथ मेरा चल रहा है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती थी पहले इतना, मतलब काम नहीं कर पा, मतलब काफ़ी 15-20 दिन हो गए थे अच्छे से नहीं साफ़ की थी घर को। लेकिन आज सोची कि नहीं कर देती हूँ, ये मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मैं सोची आप लोग को बता दूँ। ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ तो आज नहीं तो कल आप लोग पता चलेगा ही, क्योंकि आप लोग भी एक फैमिली की तरह हैं, तो मैं सोची नहीं आप लोग को बता देती हूँ। तो बस यही, और सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं क्योंकि मेरी सासू माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनको बीपी का प्रॉब्लम है तो उनसे नहीं हो पाता है। वो थोड़ा सा भी काम करती हैं तो काफ़ी थक जाती हैं, ऐसे बोलती हैं मैं कर दूँगी, ऐसे मेरा कभी तबीयत ख़राब हो गया तो कर देती हैं। ऐसे देखिए कितनी औरत लोग को होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी होना, ये वो, तो भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मुझे उल्टी उल्टी नहीं होती है। तो उल्टी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उल्टी मुझे नहीं होती है इसलिए मैं मतलब ठीक रहती हूँ। और हाँ, कभी कभी माथा दर्द, पैर दर्द, ये सब तो लगा ही रहता है, ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम तो लगी रहती है। तो इस सब के लिए मेरी सासू माँ हैं, संभाल लेती हैं, कर देती हैं काम को, जैसे तैसे कर लेती हैं। लेकिन हाँ, ठीक रहती हूँ तो मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। तो बस यही रीज़न था कि मुझे इस हालत में भी काम करनी पड़ती है, और इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी, इतने दिनों से छोड़ दी थी और आज मैं की। क्योंकि देखिए घर क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है, खुद ही बहुत अच्छा महसूस होता है। तबीयत अगर ख़राब भी रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही रीज़न है, और इसलिए मैं मॉर्निंग का कुछ भी नहीं शूट की और ना ही कोई रेसिपी डाली हूँ। और सुबह 6 बजे से लगी हूँ किचन साफ़ करने में, घर साफ़ करने में, तो अभी हुआ नहीं है, बाकी है, अभी काफ़ी काम अभी बाकी है, बट कर लूँगी, धीरे धीरे हो जाएगा। इस हालत में थोड़ा धीरे धीरे ही होता है, जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो बस वही कर रही हूँ। और सारे मिनर भी गंदे हो चुके थे तो सबको पोछ दी अच्छे से, अच्छा रहता है, पोछ देने से बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सबको पोछती हूँ, सबको आज मतलब पूरा अच्छे से घर को सफाई की। पूछने के बाद झाड़ू लगा रही हूँ, आप लोग सामने देख सकते हैं आम रखा हुआ है, हम लोग का पेड़ पर क्या आम है, सारे आम पक गए हैं,
तो सबको रखी हूँ फ्रिज साफ करके, फिर फ्रिज में रखूँगी। और मैं डिनर में आज तड़का बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं ली हूँ फ़ोरन के लिए मैं ली हूँ जीरा, तेज़पत्ता और एक मिर्च। और इधर ली हूँ मैं आलू, धनिया पत्ता, प्याज, टमाटो, लहसुन, अदरक, मिर्च, इतना कुछ मैं ली हूँ। और चना दाल का बना रही हूँ, और ये दाल मैं उबाल ली और यहाँ फ़ोरन डाल दी हूँ, जीरा, तेज़पत्ता सब कुछ डाल दी। अभी लहसुन डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा भून के फिर डालूँगी मैं इसमें अदरक। सबको अच्छे से फ्राई करूँगी पहले। आलू डाल के बनाने से बहुत टेस्टी बनता है तड़का चना दाल का, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें अदरक डाल देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। एक एक करके डालती हूँ इसलिए कि अच्छे से थोड़ा सा मतलब भुना जाता है, ऐसे सब डाल देने से ना अच्छा से नहीं हो पाता है, इसलिए एक एक करके डालने से और अच्छे से भुनाता है सब। अब प्याज डाल दी, अब प्याज को अच्छे से भून लूँगी मैं। पे आलू सींच गया था तब इसमें दाल डाल दी हूँ, और पानी थोड़ा कम था इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाली हूँ, बट गर्म पानी डाली हूँ इसमें मैं। गर्म पानी डालने से अच्छा रहता है। और फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद धनिया पत्ता डालूँगी, और यहाँ पे देखिए धनिया पत्ता भी डाल दी। और इसके बाद ये कितना गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से पक गया है और बहुत ही टेस्टी, देखने में तो टेस्टी लग रहा है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, गरम मसाला डालने से ना बहुत टेस्टी लगता है, तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी। आप लोग ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और इधर तवा रखी हूँ रोटी बनाने के लिए, बन गया मेरा तड़का। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे लगा ये रेसिपी आप लोग को। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट